टू माई यूट्यूब चैनल एस जी जी एम्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस पे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू हैं जो आपके नीट प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर देंगे। आपकी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज जाएगी इस सेल चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चन से बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर, जो आपके यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है, नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस बिकॉज दे कांट परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो पहला रहा तो सीधे गलत है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो जो कैपेबल है वही वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल वाइटल फंक्शंस। अगले स्टेटमेंट में आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। बिल्कुल सही बात है, अगर सेल से कोई भी कम स्ट्रक्चर होगा तो वो हम उसे लिविंग नहीं मानेंगे। दूसरा, एंटन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, जो कि सही बात है, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले सेल देखा था। थर्ड, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल, बिल्कुल गलत, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए यही इसका आंसर है। बाकी फोर्थ है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि सही है। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एविडेंस बाय द फैक्ट्स लाइक। पहले ऑप्शन देखते हैं, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये ऑप्शन सही लग रहा है। सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो उसको गाइड कर रही है वो है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसीलिए क्योंकि जो सेल से छोटा कोई भी चीज होती है वो अपने आप में लिविंग कभी नहीं हो सकती है, सेल ही सबसे छोटा है। तो ये जो स्टेटमेंट है सपोर्ट कर रही है, इसलिए थर्ड का आंसर ए होगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो बाकी, लेकिन वो पूरे के पूरे गलत हैं, मैच भी नहीं कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन विच रिलेट्स टू स्वान रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि स्वान ने क्या क्या कहा था। बिल्कुल, ये एनसीईआरटी के रिविजन के लिए बेस्ट सोर्स है। तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं, ही रिपोर्टेड दैट सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर विच इज टूडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरे में आते हैं, सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ये भी सही है, उन्होंने कहा था। थर्ड, बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो ये भी सही है, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है और एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज नॉट एक्सप्लेन इन द सेल थ्योरी गिवन ज्वाइंटली बाय स्लेडन एंड स्वान। ऐसा कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है जो स्लेडन स्वान ने नहीं दी थी। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सही बात है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। दूसरा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी सही है, सेल ही सबका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। सी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ये स्लेडन स्वान ने नहीं कहा था, ये वर्चाओ ने कहा था, इसलिए स्टेटमेंट सी वाली जो है गलत है। सी इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। उनको रॉन्ग ऑप्शन बताना है। पहला, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे सही बात है और दिया भी सही है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये आपको याद होनी चाहिए, एक एक लेंथ और डायमीटर्स। सेकंड, बैक्टीरिया आर 3 to 5 माइक्रोमीटर, यस ये भी सही है। द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये भी सही है। अब देखते हैं, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स, गलत है, नर्व सेल सबसे बड़े सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, याद करिएगा, पेपर में पहली मार्क लीजिए कि रॉन्ग पूछा है कि राइट पूछा है, इसमें बहुत आपकी गलतियां होती हैं। द शेप ऑफ द सेल्स, सेवेंथ स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी है कौन गलत है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। द शेप ऑफ द सेल्स मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड, ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये भी सही है, आरबीसी की जो डायमीटर में लेंथ होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है। थर्ड, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, यस साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज होती हैं, रिएक्शंस।
फोर्थ वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ये भी सही है, सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे साइटोप्लाज्म में तभी सेल लिविंग रहेगा। तो इसमें से ऑल आर करेक्ट आप देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप फुल फोकस कीजिए इन पे। गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड देन सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स। फर्स्ट, दे आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सही है। दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, यस ज़्यादा रैपिडली वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें कौन कौन आते हैं प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया आते हैं, यस बीजीए आपके आते हैं, यस माइकोप्लाज्मा, यस पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमरलाइक ऑर्गेनिजम्स, ये आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा है, इसलिए ऑल सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गाई की बात करी जा रही है, ये भी एनसीईआरटी में ही है। अब नाइन्थ में आते हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट, ये आपको जरूर ध्यान रखना है पेपर में, नहीं तो -5 कर लोगे आप लोग अपना। कौन सी स्टेटमेंट सही है जिनको छोड़कर, मतलब आपको रॉन्ग वाली बतानी है, करेक्ट एक्सेप्ट का मतलब है रॉन्ग। तो फर्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर, तो आप देख सकते हो कि ये बात सही है। बी, प्रोकैरियोट्स शो अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस, हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स जो सेल होते हैं बैक्टीरिया के अलग अलग शेप दिखाते हैं। फ्यू प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल्स, ये गलत है, मोस्ट प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल्स, सेल वॉल्स सबके पास होती है एक माइकोप्लाज्मा को छोड़ दे तो, आप देख सकते हैं। और डी तो फिर सही है, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो उसका मतलब 9 का सी ऑप्शन सही है, मतलब लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। अब 10th क्वेश्चन में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल हैज नॉट बीन अचीव्ड इन, अभी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नहीं देखा गया है किसमें, बताइए कौन हो सकता है, बैक्टीरिया, अमीबा, डायटम, ये सब तो कुछ ना कुछ फाइलम में आते ही हैं, पर बैक्टीरियोफेज क्या है, ये वायरस है, तो वायरस में तो अभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन देखा ही नहीं गया, वायरस तो वैसे को सीधे पहचानना है, वायरस ना प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी, इनमें से कौन सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं, वायरसेस का कहीं जिक्र नहीं किया गया, वायरस सेल ही नहीं है, पैरेट्स भी कोई सेल नहीं है, प्रियॉन्स भी कोई सेल नहीं है, या तो कोई प्रोटीन है, कोई आरएनए है, कोई डीएनए, पर अपने आप में एक सेल नहीं है, इसीलिए ये तीनों सेल थ्योरी को अपनाएंगे नहीं क्योंकि सेल ही नहीं है। 12th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आपका आता है, वैसे तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, कर ही लोगे, उतना डिफिकल्ट नहीं, पर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, तो आपको उनका साइज ना पता हो तो दिक्कत हो सकती है, इसमें तो फिर भी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो देखिए, सबसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा होता है फर्स्ट, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है बैक्टीरिया, फिर उससे थोड़ा बड़ा है ह्यूमन आरबीसी, और हमें पता है सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही है। हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, 13th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में, 13 में आपको मैच करना है कि इसका साइज क्या है, आप देख सकते हैं एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर, फर्स्ट का बी, और एक वायरस का साइज बताया जा रहा है, वायरस का साइज क्या होता है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। और थर्ड की बात करें, पीपीएलओ का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। फोर्थ, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स का आपको पता होगा 10 से 20 माइक्रोमीटर, तो इस हिसाब से 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14th क्वेश्चन चलते हैं, शब्द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन एक प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर नहीं है, तो आप देख सकते हो मीजोसोम तो होता ही है, वो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ उन्हीं में पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए भी सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन सिस्टम भी इनमें होता है, पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, बहुत ही। 15th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग प्रोकैरियोट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोकैरियोट्स के लिए सही है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स डू नॉट कंटेन ऑर्गेनल्स, दे कांट फोटोसिंथेसाइज और कैरी आउट सेल्युलर रेस्पिरेशन, ये गलत है, प्रोकैरियोट्स आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स के बिना भी अपने को फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ दूसरी चीजें मौजूद होती हैं,
सेकंड, प्रोकैरियोट्स हैव नो क्रोमोसोम्स एंड देयरफॉर लैक डीएनए। ये भी आपका गलत है, प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम होते हैं भाई, सिंगल सर्कुलर। थर्ड, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला। इनके फ्लैजिला अलग अलग होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, सब गलत है। हम आते हैं 16 क्वेश्चन में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्लास्मिड्स एक्सेप्ट। इसको आप मार करिए, एक्सेप्ट पूछा गया है, मतलब ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्लास्मिड्स एक्सेप्ट, बोले इनमें से सब सही हैं किन को छोड़कर, यानी फिर आपको रॉन्ग बताना है, रॉन्ग आपको चुनना है। इस बहुत कन्फ्यूजन करता है, अगर किसी के भी सामने एक्सेप्ट आ जाए तो उसका उल्टा ढूंढिएगा, तो करेक्ट का एक्सेप्ट आपको नहीं रॉन्ग ढूंढना है, तो इसमें आपको रॉन्ग ढूंढना है 16 का। तो डी आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सही बात है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, बाहर होते हैं सेल के डीएनए। दे आर स्मॉलर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए दैट कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सम बैक्टीरिया लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये आपके 12th क्लास में भी है। जो प्लास्मिड होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल होते हैं, और वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, ये भी सही बात है। दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी सही बात है। इट हेल्प्स इन द रेप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर, नहीं, ये रेप्लीकेशन में कोई मदद नहीं करता, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस का क्रोमोजोम करेगा, ये गलत है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है, इसे करने से पहले तभी आपको ग्रिप बनेगी एनसीईआरटी में। विच वन इज करेक्ट अबाउट मीजोजोम, मीजोजोम के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, यस सही बात है। और इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है, इनफोल्डिंग्स भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जब फोल्ड होती है तब ये बनते हैं। सी मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ट्यूबुल्स लैमेले, तीनों एनसीईआरटी के लाइन है, तो तीनों ही तीनों सही हैं, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, बस एनसीईआरटी पढ़िए और फिर यहाँ पे इसके सवाल करिए। 18, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म, ये एक्सटेंशन है जिसके बारे में बात की जा रही है। नीचे ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन हो सकता है, तो पहला बताइए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, दूसरा बताइए कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सेक्रीशन, सरफेस एरिया बढ़ाता है, एंजाइमिक कंटेंट बढ़ाता है, साइटोकाइनेसिस में मदद करता है, और इसे बैक्टीरियल सेल्स में होता है। तो बिना किसी सोच के आपको समझ गए होगे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है कि मीजोजोम इन फोल्डिंग्स ऑफ साइटोप्लाज्म। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, खासकर की बैक्टीरियल सेल्स की बात कर रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनमें से क्या होता है, ए केमिकली सिंपल सेल एनवेलॉप, एक सिंपल सेल एनवेलॉप होता है, एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलॉप, नो सेल एनवेलॉप ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। तो इसका बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलॉप होता है, इसमें सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, फिर आपको बताया ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है, दो फॉर्म में स्लैम लेयर हो सकती है या फिर कैप्सूल के फॉर्म में हो सकता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी तरह नहीं है कि इसमें एक दो लेयर हो। सो वी हैव हियर अवर लास्ट क्वेश्चन 20, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ओनली द सेल मेम्ब्रेन, द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन टाइटली बाउंड थ्री लेयर स्ट्रक्चर ओनली ग्लाइकोकैलिक्स। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सेल एनवेलप होता है वो तीन लेयर स्ट्रक्चर से बना होता है, सबसे बाहर जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स होती है, इसमें स्लाइम लेयर और कैप्स्यूल इनमें से कुछ भी हो सकता है, या फिर दूसरा जो है उसके अंदर होती है सेल वॉल, फिर उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से तीन लेयर स्ट्रक्चर बनता है एक बैक्टीरियल सेल में। तो आज का सेशन यही खत्म होता है, हम ऐसे ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज लाते रहेंगे जो आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय।